नमस्कार दर्शकों, कैनन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कनाडा और भारत के बीच विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। इस बार कनाडा से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्रग्स की खेप पहुंची। अहमदाबाद साइबर क्राइम और कस्टम्स के संयुक्त अभियान में लाखों की कीमत की कोकीन और उसका सामान बरामद किया गया। यह कोकीन कनाडा से आई है, इसका खालिस्तानी कनेक्शन है या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है। अन्य एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गई हैं। वहीं इस बार ड्रग्स लाने का तरीका भी इतना मजबूत था कि ड्रग्स को तरल रूप से बनाकर किताब के पन्नों पर भिगो दिया जाता था ताकि किसी को किताब पर शक न हो। लेकिन मिली गुप्त सूचना के आधार पर अहमदाबाद साइबर क्राइम एंड कस्टम्स द्वारा पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। अहमदाबाद शहर की साइबर क्राइम ब्रांच टीम तेमज कस्टम विभागनी जे संयुक्त सारी कामगिरी छे ड्रग्स ने पकड़वानी ए बाबते अत्यारे ब्रीफिंग छे। आपणे बन्ने एजेंसीओ साइबर क्राइम ब्रांच तेमज कस्टम विभागना अधिकारीओ ड्रग्स जेवी बधीने नेस्तानाबूद करवा माटे सतत वॉचमा अने बातमीदारोना संपर्कमा अने साइबर स्पेसमा पेट्रोलिंग करे छे। एमा बन्ने एजेंसीओने ध्यान उपर आव्यू अने बातमी मळेल के केटला गुनेगारो जे डार्क वेब सोशल मीडिया ना उपयोग करीने क्रिप्टो करंसी थी पेमेंट करीने जे पार्सल पैकेट मार्फते ड्रग्स मोकले छे ते माहिती